एक बात हमेशा याद रखो, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इट्स ऑल न्यू 30-day सीरीज। इस सीरीज का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज, TPMS। हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं, जो पैसों से जुड़ी बातें सीखना समझना चाहते हैं। आज के समय में पैसा सब कुछ है। पैसों से आप महंगे बेड खरीद सकते हो, फिर जब भी नींद आएगी तो मस्त आप उस बेड पर सो सकते हो, राइट? और उसके लिए पैसे चाहिए। पैसा आपके पास होने के लिए आपके पास वो सेविंग एटीट्यूड भी होने चाहिए, ये नहीं कि पैसा आया और उड़ा दिया। मैं आपको पैसों को अर्न करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, उसके पीछे की मेंटालिटी सब कुछ इस सीरीज के थ्रू बतलाऊंगा। तो बस अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन ऑन भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। एक बहुत अच्छी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउजल। वो इस किताब में कहते हैं, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज टू प्लान ऑन द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका अर्थ है आपको उस प्लान के बारे में सोचना चाहिए जो आपके सोचे हुए प्लान जैसा नहीं चल रहा है। नहीं समझे? यू प्लान, गॉड लाफ्स। अब समझे? मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, आप सिर्फ प्लान कर सकते हो, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, पर वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जो आपके प्लान में शुरू से था। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट या पार्ट के बारे में सोचना चाहिए जिसके कारण पूरा प्लान सफल नहीं हो सका। आप बस इतना ही कर सकते हो और एक और काम कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। हेलो गाइस, आज पहला दिन है द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS का। आज से आप पैसों के बारे में हर दिन कुछ नया और यूनिक सीखने वाले हो। सबसे पहला लेसन है, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए, लक एंड रिस्क आर सिब्लिंग्स, ये दोनों जुड़वा हैं, हमेशा साथ ही चलेंगे। आई प्रूव इट टू यू। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। क्या मतलब है? जब सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा होता है तब तुम अपने आप को अजय योद्धा समझ लेते हो, मतलब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें अब कोई हरा नहीं सकता, बस यहीं से तुम नीचे आते हो। जिस समय तुम्हें लगता है लक ने, किस्मत ने तुम्हें इतना ऊपर उठाया है, तभी इसका भाई रिस्क तुम्हारी कहानी पलट देता है। तो पहले दिन क्या सीखा हमने, जितना रोल तुम्हारे सक्सेस में लक का होता है, तुम्हें आने वाले रिस्क को भी नहीं भूलना चाहिए, ताकि तुम पूरी समझदारी से अपनी गलतियों पर काम कर आगे बढ़ सको। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए डू लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब। डे 2, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। आज हम क्या सीखने वाले हैं? दुनिया के बड़े अमीरों में शुमार वॉरेन बफेट कहते हैं, टू मेक मनी दे डिडंट हैव एंड डिड नीड, दे रिस्क्ड व्हाट दे डिड हैव एंड डिड नीड, एंड दैट इज फुलिश, इट इज जस्ट प्लेन फुलिश। इफ यू रिस्क समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू फॉर समथिंग दैट इज अनइम्पोर्टेंट टू यू, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। देर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। तुम हमेशा गलत जगह पैसा लगाते हो, पैसों का सही इस्तेमाल तुम करना नहीं जानते, या फिर जानते हो तो बेफजूल की चीजों पर खर्च कर देते हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जिसकी तुम्हें फिलहाल जरूरत नहीं, तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये मूर्खता है, पैसों की बर्बादी है, समझे? अभी वीडियो लाइक करो और हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, इसे ऑप्टिमिज्म कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, लेकिन ये अधूरी लाइन है, सेंसिबल ऑप्टिमिज्म जरूरी है। समझाता हूँ। डे 3 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, तुम्हारे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से बात तो बनने वाली है नहीं। जब तुम्हें पता होगा कि आगे तुम्हारा धंधा मंदा भी पड़ेगा, तब भी तुम अपना कंट्रोल, अपनी उम्मीद छोड़ोगे नहीं। सीधा रास्ता, सीधी सड़क कभी नहीं मिलती, इसे ही सेंसिबल ऑप्टिमिज्म कहते हैं, और ऐसी पर्सनालिटी वाले बारबेल पर्सनालिटी कहलाते हैं। और बारबेल पर्सनालिटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट व्हाट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग टू द फ्यूचर इज वाइटल। लॉन्ग टर्म में सक्सेस तो पाना है, पर बीच में आपके काम में, बिजनेस में या पढ़ाई में जो डोड़े आएंगे, इसे ही जानने समझने वाले बारबेल पर्सनालिटी वाले होते हैं। और ये क्या तुम हो, कमेंट करके नीचे बताओ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो हमें लाइक, कमेंट, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार हेड आए और तुम जीतते रहो। हो सकता है और होता है तुम शुरुआत से अपना काम नहीं बना पा रहे हैं, लॉस ही लॉस, बल्कि आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पैसा भर भर कर आएगा कब। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। डे 4 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। वॉल्ट डिज्नी की पहली स्टूडियो घाटे में चली गई। उनकी फिल्में बड़ी बजट की होती थी, कोई बनाने को तैयार नहीं। 400 से ज्यादा कार्टून फिल्में उन्होंने शुरुआत में बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, सब नुकसान हो रहा था।
फिर एक दिन स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉट्स फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डिज्नी स्टूडियो का काया पलट हो गया। पहले 6 महीने में ही $8 मिलियन से ज्यादा की कमाई हुई। सारे कर्जे उतर गए। बहुत सारी चीजें बिजनेस इसी फॉर्मूले पे काम करती हैं। हो सकता है आपके काम का अंत ही सुखद हो। लेसन क्या है, वेट करिए, पेशेंस रखिए, काम करते रहिए। वीडियो चले तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको क्या लगता है, आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, नीचे कमेंट में बताओ जरा। लेकिन मैं बताता हूँ लोग अमीर क्यों बनना चाहते हैं। कारण है हैप्पीनेस, खुशी। डे 5 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि तुम सुख सुविधा में रह सको। लेकिन ये खुशी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। सबके अपने तरीके हैं खुश रहने के, सब्जेक्टिव टॉपिक है। लेकिन खुशी की जड़ में एक बात कॉमन है, और वो है कि लोग अपनी लाइफ अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। पैसा तुम्हें वो ताकत देती है कि तुम जो चाहो ले लो, कब चाहते हो, कितना चाहते हो, कितने समय तक चाहते हो, सब मिलेगा। सुबह उठकर बोलो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे, मुझे जो चाहिए वो आज मुझे मिलेगा। एक और कदम अमीर बनने के सफर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्या तुम्हें पता है कि लोग पैसा चाहते ही इसलिए हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें उनकी तारीफ करें, लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन रियलिटी में इसके ठीक उलट होता है। बताता हूँ। डे 6 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। पीपल टेंड टू वॉन्ट वेल्थ टू सिग्नल टू अदर्स दैट दे शुड बी लाइक्ड एंड एडमायर्ड। असलियत में होता यह है कि लोग तुम्हारा धन दौलत, पैसा, गाड़ी देकर तारीफ करने से बचते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें पैसों से दिक्कत है, वो तुम्हारी वेल्थ को अपना बेंचमार्क मानते हैं कि उन्हें ये सब कब नसीब होगा। उनको अपने सपने दिखते हैं, तुम्हारे धन दौलत से कोई मतलब नहीं। उन्हें भी वही सब चाहिए जो तुम्हारे पास है या तुमसे भी अधिक। सो मुद्दा ये है कि दूसरों की खुशी के लिए हमें कमाना धमाना नहीं चाहिए, अपनी खुशी ऊपर रखो और अर्न करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। क्या आपको रिच एंड वेल्थ में अंतर पता है? तुम रिच पर्सन होना चाहते हो या वेल्दी पर्सन? वीडियो पूरी देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर करो। डे 7 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। रिच और वेल्थ का अंतर बताता हूँ। रिच इज करंट इनकम, ये सबको दिखता है। तुमने कोई कार ली, घर लिया, फोन लिया, देखने से लगा तुम अमीर हो। वेल्थ क्या है? वेल्थ इज हिडन, ये वो इनकम है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। तुम्हारे पास सफिशियंट पैसा है, तुम आसानी से कार ले सकते हो, घर ले सकते हो, बढ़िया फोन, घड़ी ले सकते हो, अभी नहीं लिए हो, तुम वेल्दी हो, इसे वेल्थ में गिना जाएगा। तुम जिम कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम रिच हो। पर क्या तुम हेल्दी हो रहे हो, फैट कम हो रहा है? अगर हाँ तो तुम वेल्दी हो। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। वेल्दी पर्सन इज वे 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 बिगर देन रिच पर्सन। अब कमेंट करके बताओ कि तुम रिच पर्सन हो या वेल्दी पर्सन। या तुम किसी ऐसे दोस्त को जानते हो तो उसे भी ये वीडियो शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। यार मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, क्या करूं? मैंने कल वाली वीडियो TPMS डे 7 में बताया था कि वेल्दी और रिच पीपल में ज्यादा टिकाऊ पैसा किनके पास होता है। आंसर इज वेल्दी पीपल। मैं तुम्हें वेल्थ बनाने की निंजा टेक्निक बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। डे 8 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। यू कैन बिल्ड वेल्थ विदाउट अ हाई इनकम, बट हैव नो चांस ऑफ बिल्डिंग वेल्थ विदाउट अ हाई सेविंग्स रेट। इट इज क्लियर। अभी तुम जितना भी खर्च कर रहे हो उसमें से 10 रुपए निकालो, महीने के कितने होंगे? 10 × 30 300 रुपीज। साल के 10 × 365 3650 रुपीज। चलो तुम अपने खर्चे से, अपने पॉकेट से 50 रुपए निकालो। नाउ सी 15 × 30 1500 रुपीज पर मंथ। ठीक एक साल बाद 15 × 365 18,250 रुपीज। देखा, सिर्फ 50 रुपए ने आपको 18,250 रुपए का मालिक बना दिया और आपको पता भी नहीं चला। सो शो ऑफ करना बंद करो और वेल्थ गेन करो। ऐसी ही टिप्स के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अच्छा एक बात बताओ, बुखार फीवर किस किस को हुआ है? मेरा मतलब किस किस को नहीं हुआ है, सभी को हुआ है। बुखार होना हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। पर ऐसा तुम करते हो क्या कि बुखार में पैरासिटामोल ना ली हो तुमने? क्यों ली? क्योंकि बुखार की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डे 9 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। पैसों के मामले में भी यही लागू होता है। बुखार होना लॉजिकली करेक्ट हो सकता है, पर यह उचित नहीं है और तुम दवा ले लेते हो। लॉन्ग रन में तुम पैसों को लेकर क्या डिसीजन लेते हो, क्या यह प्रैक्टिकल है? बेफजूल इंस्टेंट बेनिफिट के चक्कर में कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा? आसान भाषा में कहूँ तो बी प्रैक्टिकल विद योर मनी। इमोशनल फूल मत बनो। यहाँ वहाँ कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करो। भावनाओं में बहकर डिसीजन मत लो। ऑल राइट, पर वीडियो चले तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करो।